समाज और गांव से बाहर कर दिया था। सुघर सिंह को दादी की तेरहवीं में पहुंचा तो कर दी मारपीट। सिरसौ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम करमार्ज खुर्द में एक युवक की मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक को समाज से गांव वालों के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी दादी की तेरहवीं थी जिससे वो गांव में आ गया। उसकी लाठी पारियों से यहां पर पिटाई कर दी गई और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुघर पुत्र पन्नालाल जाटव निवासी करमाज खुद को समाज और गांव वालों ने बाहर कर दिया था। उसकी जमीन पर रिश्तेदार कब्जा कर खेतीबाड़ी कर रहे थे। युवक के भाई केदार ने बताया कि वो और सुघर दादी की तेरहवीं में गांव में गए थे। उसी समय वहां ब्रजमोहन जाटव जो कि गांव का दबंग है उसी की वजह से गांव से निकाला दिया गया था। उसने मस्तराम हरदयाल सुरेश के साथ आकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जहां पर अन्य लोगों ने उसको आकर बचाया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल थाने पहुंचा, जहां पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभर सिंह कहाँ रहते हो? क्या झगड़ा था उससे? झगड़ा किया, उसके खाना खा के गए थे, वो मना कर रहा खाना खाए मत जाओ, लेकिन चक्कर में खाना खा के आए थे मैंने वापस नहीं लाठी थी। कारण क्या, मना क्यों कर रहा था वो? अरे वो दादा दादा है। और आपको छेक दिया था पहले? क्यों छेका था? पहले छेक दिया तो आप उसकी तो चल रही है, फिर उसने बुला लिया गाँव में, कोई नहीं बुलाता मैंने, इसने कहा कि देखे क्या छेका, मैं तो उसको बुलाऊंगा। कारण क्या है, कारण क्या था छेकने का? सब गांव के तो संगठन से बुलाए मानते हैं, कारण क्या था? हमारी जमीन है, वही करता है ज्यादा, वही करता है, वही करता है। कोई रिश्तेदार है आपका? नहीं भाई, कक्का है हमारा। कक्का है? जमीन कौन के नाम है? जमीन है पापा के नाम है, पूरा हमारा शरीकत का, तो वो पढ़ाई वही करता है, चक्कर में लड़ाई विवाद हो गए। कितने सालों से छेक रखा था आपको? वही दो साल, दो तीन साल, तीन साल हो नहीं, 10-12 साल, 10-12 साल, 10 साल, 10 साल से। कितने भाई बहन हो आप? कितने भाई बहन हो? तीन भाई।